मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 29 तारीख है, जून की हो गई है। और आज सबसे पहले तो यही कि जो मानसून है वो यहाँ तक डिक्लेयर कर दिया गया है, पूरे उत्तराखंड में वो पहुँच गया है। हालांकि बारिश की अगर बात करते हैं तो जो पिछले 24 आवर्स में एक्टिविटी मिली है, मानसून एक्टिव रहा है प्रदेश में। और इसमें हैवी से वेरी हैवी रेन्स जो है, जो कुमाऊं रीजन के हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे पिथौरागढ़ है या बागेश्वर है, इसी तरह जो है यूएस नगर है, तो इनमें जो है हैवी वेरी हैवी रेन्स जो है हमको देखने को मिली है। बल्कि जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है तो कपकोट है, उसमें तो एक्सट्रीमली हैवी तक भी है, 21 सेंटीमीटर तक जो है रेनफॉल वहाँ मिली है। तो ओवरऑल अगर देखें उत्तराखंड की बात है तो तब जो आज मानसून की एक्टिविटी पास्ट 24 आवर्स की, वो एक्टिव मानसून आज रहा है। और इसके साथ साथ ही जो मानसून का फ्लो है अब यहाँ तक वो पहुँच गया, और आज वो डिक्लेयर भी कर दिया गया कि मानसून जो है उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में डिक्लेयर कर दिया गया है। तो मानसून की दृष्टि जो रेनफॉल की बात है जो कम थोड़ी रही है, वो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ थोड़ी रेनफॉल एक्टिविटी कम रही, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ज़्यादातर स्टेशनों में रेनफॉल मिली है। अब आज की अगर बात करें 29 तारीख, तो आज भी जो रेनफॉल एक्टिविटी है पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम तो अधिकांश जगहों में मिलेगी, ज़्यादातर जगहों में मिलेगी। इसके साथ साथ जो हैवी वेरी हैवी रेन से आइसोलेटेड वो जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें मिलेंगी वो जो है, लेकिन जो एक्सट्रीमली हैवी या वेरी हैवी रेन है या जो हैवी से वेरी हैवी है फ्यू प्लेसेस तक जो है जो उसमें रखे गए या एक्सट्रीमली हैवी आइसोलेटेड तक रखा गया, तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, नैनीताल है। तो इन तीन को जो हमने रेड वार्निंग में आज डाला है, और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है उनको ऑरेंज में रखा गया है, या ठीक है मैदानी डिस्ट्रिक्ट है उनको आप येलो में भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई थोड़ा हैवी रेन्स मिलती भी है तो कोई दिक्कत वाली बात बहुत होती नहीं है। तो आज की अगर बात करूँ तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर के हमारे के जिसमें कि जो है पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल है, तो इनमें हैवी से वेरी हैवी के साथ साथ जो है एक्सट्रीमली हैवी रेन भी इक्का दुक्का जगहों में मिल सकती है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में हैवी से वेरी हैवी आज बोला गया है, कहीं कहीं पर वो रहेंगी। कल जब आप जाएंगे 30 तारीख को, तो 30 में भी जो रेनफॉल एक्टिविटी है हल्की से मध्यम हो तो ज़्यादातर जगहों में मिलेगी प्रदेश में, लेकिन जो हैवी या वेरी हैवी रेन है तो उसमें जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि आप कह सकते हैं जो है पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चमोली है और आपका नैनीताल है, देहरादून है, तो इसमें संभावना है कि कल भी इनमें जो है हैवी वेरी हैवी रेन आइसोलेटेड मिलती रहेंगी। परसों भी आप जाएंगे तो परसों भी इसी तरह की स्थिति है, तो इन डिस्ट्रिक्ट में परसों भी संभावना है कि हैवी रेन या वेरी हैवी रेन इक्का दुक्का जगहों में मिलेगी, और जो ओवरऑल रेनफॉल एक्टिविटी प्रदेश में हल्की से मध्यम वो ज़्यादातर जगहों में 1 तारीख तक मैं कहूँगा जुलाई के वो मिलने वाली है। उसके लिए कह सकते हैं क्योंकि वहाँ तो कोई थोड़ा हैवी रेन्स मिलती भी है तो कोई दिक्कत वाली बात बहुत होती नहीं है। तो आज की अगर बात करूँ तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर के हमारे के जिसमें कि जो है पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल है, तो इनमें हैवी से वेरी हैवी के साथ साथ जो है एक्सट्रीमली हैवी रेन भी इक्का दुक्का जगहों में मिल सकती है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में हैवी से वेरी हैवी आज बोला गया है, कहीं कहीं पर वो रहेंगी। कल जब आप जाएंगे 30 तारीख को, तो 30 में भी जो रेनफॉल एक्टिविटी है हल्की से मध्यम हो तो ज़्यादातर जगहों में मिलेगी प्रदेश में, लेकिन जो हैवी या वेरी हैवी रेन है तो उसमें जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि आप कह सकते हैं जो है पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चमोली है और आपका नैनीताल है, देहरादून है, तो इसमें संभावना है कि कल भी इनमें जो है हैवी वेरी हैवी रेन आइसोलेटेड मिलती रहेंगी। परसों भी आप जाएंगे तो परसों भी इसी तरह की स्थिति है, तो इन डिस्ट्रिक्ट में परसों भी संभावना है कि हैवी रेन या वेरी हैवी रेन इक्का दुक्का जगहों में मिलेगी, और जो ओवरऑल रेनफॉल एक्टिविटी प्रदेश में हल्की से मध्यम वो ज़्यादातर जगहों में 1 तारीख तक मैं कहूँगा जुलाई के वो मिलने वाली है। उसके बाद जब 2 तारीख में आप जाएंगे तो 2, 3, 4 या 5 तक की भी बात करें तो थोड़ी रेनफॉल एक्टिविटी कम होगी, और 2-3 तारीख या 4-5 तारीख में अगर बात करें तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि चमोली है, रुद्रप्रयाग है, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, तो इनमें रखा गया कि इक्का दुक्का जगहों में हैवी रेन इसमें संभावना बनती है, तो वो रखा गया येलो वार्निंग में रखा गया उसको। तो यही अभी जो 4-5 दिन का अगर मौसम देखें तो इस तरह का रहने वाला है। तो थोड़ा जो लोग मूवमेंट करेंगे आज अगर देखें तो एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा देखते हुए चलना पड़ेगा और प्रशासन जिस तरह से गाइड करता उस तरह से ही आगे बढ़ें जिससे कोई दिक्कत ना रहे। तो यही मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार।